जो कई वर्षों से पीड़ित है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किस प्रकार हमें इस राज्य में न्याय मिल सके। जेएसएससी पूरी तरह से झारखंड स्टेट सुसाइड कमीशन बन चुका है। आज ये लगभग 6.5 लाख लोग जेएसएससी सीडीएम की परीक्षा में भाग लेने के लिए फॉर्म भर चुके हैं और एक बार नहीं, बार बार ये राज्य सरकार फॉर्म भरवा रही है और कैलेंडर पे कैलेंडर जारी कर रही है। जेएसएससी पूरी तरह से तारीख पे तारीख वाली जो पबजी गेम होता है उसको खेलने का काम कर रही है। इस राज्य के युवा हताश निराश है। हम देखेंगे कि 2 साल में लगभग 6 बार कैलेंडर जारी जेएसएससी ने किया है और 3 बार इस सरकार ने अभी तक छात्रों से फॉर्म भराया है। 28 जनवरी 2024 को इस प्रदेश में पेपर लीक की घटना होती है और छात्र के आंदोलन करने के बाद वो परीक्षा रद्द किया जाता है और जब परीक्षा रद्द होती है उसके बाद इन लोग एक नया कैलेंडर जारी करते हैं। कैलेंडर इन लोग जारी करते हैं कि अगस्त माह में हम सीजीएल की परीक्षा आयोजित करेंगे, लेकिन अगस्त माह में जब आता है तो सरकार एक और लॉलीपॉप देने का युवाओं को काम करती है, छात्रों को काम करती है कि अब हम ये परीक्षा अक्टूबर में आयोजित करेंगे। और सरकार किस प्रकार से पूरे आप सिस्टम को समझेंगे, पूरे क्रोनोलॉजी को समझेंगे, तो सरकार तारीख पर तारीख देने का काम कर रही है और कैलेंडर पर कैलेंडर जारी करने का काम कर रही है। लगातार छात्र ट्विटर का आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कभी भी संभावित तिथि नहीं बता पा रही। सरकार बार बार एक तिथि जारी करती है और युवाओं को लॉलीपॉप देने का काम करती है। हम मांग करते हैं कि जो जेएसएससी सीजीएल के जो 6.5 लाख छात्र हैं आज वो सड़क पर है, पूरी तरह से आंदोलनरत है और सरकार को बार बार आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के लोग की कोई सुध नहीं है इस राज्य के युवाओं के प्रति। इसलिए सरकार बार बार कैलेंडर जारी कर रहा है और बार बार हम भी मांग करते हैं कि जो तिथि है ये तिथि परमानेंट तिथि सरकार जारी करे परीक्षा की, क्योंकि लाखों छात्र इसमें प्रभावित हो रहे हैं और छात्र बार बार परेशान हो रहे हैं। और हम पहले दिन से कह रहे थे इस राज्य का स्टूडेंट अपसेट है और जेएसएससी सेट है, इसलिए हम लाखों 6.5 लाख जो स्टूडेंट हैं उस स्टूडेंट की मांग को हम लोग उनके कदम से कदम मिलाकर शुरू से उनके आंदोलन में साथ भी दिए हैं और आने वाले समय में भी सरकार अगर आने वाले समय में परमानेंट तिथि नहीं जारी करती है जेएसएससी सीजीएल का तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। दूसरा, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का सरकार ने एक एग्जाम दिया था, लगभग 930 पोस्ट पे सरकार ने परीक्षा आयोजित की। हजारों लोग धरने पर बैठे हैं राजभवन के सामने और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो परीक्षा आपने लिया है उस परीक्षा का परीक्षा फल कर दें, लेकिन इस सरकार के पास परीक्षा फल भी नहीं है। इसलिए ऐसे लोग सभी छात्र युवा निराश होकर हताश होकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन आईटीआई इंस्ट्रक्टर के डिमांड को हम लोगों से भी मिलने आए थे, हम लोगों ने भी उनसे आश्वासन दिया है कि हम लोग उनके हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ाई लड़ेंगे। तो हम भी सरकार के जेएसएससी से मांग करते हैं कि जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लोग आज जो धरने पर बैठे हुए हैं, 930 पोस्ट की आपने परीक्षा आयोजित की है, जब आप परीक्षा आयोजित किए हैं तो परीक्षा फल भी आपको देना चाहिए। इसलिए हम आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो परीक्षा फल किस प्रकार से निकाल सके जेएसएससी उसकी भी मांग करते हैं। तीसरा, इस राज्य में आप देखते होंगे सहायक पुलिसकर्मी के ऊपर किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज होता है और सहायक पुलिसकर्मी क्योंकि पुलिस को सहायता करते हैं, इस सरकार के हेल्पिंग हैंड है, उसके बाद भी सरकार उनकी सुध नहीं लेने जा रही। 1 महीना से ज्यादा से वो बारिश में धरने पर मोराबादी मैदान में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के लोगों को उसकी कोई चिंता नहीं है, वार्ता कर रहे हैं लेकिन उनके डिमांड को कैसे माना जाए इसको लेकर सरकार के पास कोई विजन नहीं है। इसलिए आप सहायक पुलिसकर्मी बारिश में भी जो सरकार के पुलिस को सहायता करता है, ऐसे नक्सल प्रभावित जिले से युवक युवतियां आज मोराबादी मैदान में है, हम उनकी भी डिमांड को मांग करते हैं कि सहायक पुलिसकर्मी की जो मांग है उस मांग को इस राज्य सरकार पूरा करे। साथ ही इस प्रकार से छात्र समुदाय पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है इस सरकार से, इसलिए छात्र समुदाय बार बार जेएसएससी में फॉर्म भर रहा है। जेएसएससी ने एक फॉर्म परीक्षा का आयोजन करने के लिए एक फॉर्म भरवाया था, एलडीसी का फॉर्म,
लोअर डिवीजन क्लब का एक फॉर्म था, उन लोगों ने आयोजित करवाया था। फॉर्म भराया गया 2023 में, वो फॉर्म कहां गया इसका डीएसएससी के लोगों को पदाधिकारियों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि फिर से फॉर्म भराया जा रहा है और बार बार फॉर्म के नाम पर छात्रों से पैसा लिया जा रहा है। तो पूरी तरह से जेएसएससी जो है स्टूडेंट के फॉर्म के पैसा का इंटरेस्ट खाने वाली संस्था बन चुकी है। इसलिए लोअर डिवीजन क्लब के जो फॉर्म में जिस प्रकार से गड़बड़ियां हुई है, इसके भी राज्य सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। छात्र समुदाय संभावित नहीं निर्धारित तिथि की मांग करता है और हम जवाब और हिसाब इस सरकार से कैसे दें, उसके लिए पूरा युवा मोर्चा एक एक प्रदेश के युवाओं के साथ है और चला चली के मेला में इस प्रकार से ठगा ठगी हेमंत सोरेन जी की सरकार कर रहे हैं कि पूरी तरह से लॉलीपॉप छात्रों को हक चाहिए, अधिकार चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए और जो 6.5 लाख स्टूडेंट जो सीजीएल के हैं, उन सीजीएल के स्टूडेंट को किस प्रकार से न्याय मिले, हमें संभावित नहीं निर्धारित तिथि चाहिए। इसी मांग को लेकर हम लोग छात्र पूरे छात्र समुदाय के साथ हम लोग साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता में मंच पर उपस्थित प्रदेश के महामंत्री आदरणीय रूपेश जी, प्रदेश के मीडिया प्रभारी प्रिंस जी, प्रदेश के प्रवक्ता पवन बैठा जी और तमाम मीडिया के साथीगण, आप सभी का मैं इस प्रेस वार्ता में आपके स्वागत करने का अभिनंदन करता हूँ। इस राज्य में 2019 में एक सरकार आई जो युवाओं को बड़े बड़े वादे करके आई, वादे किया 5 लाख रोजगार देंगे और रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, ना आज तक 5 लाख रोजगार छात्रों को मिले।